निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक वे में नॉमिनेशन होते हैं और जो कार्यकर्ता का जिसकी जो क्षमता है जिसकी जो योग्यता उसके आधार पर नॉमिनेशन दिया जाता है। जो गुलाम नबी आजाद जी ने जो बात कही है उस पर कितना गहरा विस्तार रखते हैं? सर, केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, तो ऐसी क्या रणनीति बनाएंगे कि आप दोनों को कम्पीट कर पाए और दोबारा से आप कह रहे की बाईस? देखिए, रणनीति यह है कि जो इस सरकार की कमियां हैं वो तो अब जनजन में, हमें उसको जो है लोगों का, आप सब लोग पता है, आप लोगों के माध्यम से अपने और दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मीटिंगें कर करके जन आंदोलन करके लोगों के नीचे पहुंचा, क्योंकि कोई कुछ नहीं, सब त्रस्त है और सबको अब विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि अभी डाल दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे करना, क्योंकि आप उस पर डाल नहीं रहे, कह रहे हैं मैंने बयान दिया, हमने कह दिया प्रधानमंत्री जी विषय पर, इसकी क्या गारंटी कि 2 साल बाद ऐसी बोल दिया था जैसे 15 लाख का, तो फिर आपकी गारंटी उस बात की है, तो उसी कानून में क्या छोड़, उसी तरह से क्या लोगों का विश्वास कर रहा केंद्र सरकार से भी और यहाँ की सरकार से, इसलिए वो जो है विश्वास लोगों में, हमें उसको और जगाना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है और कांग्रेस का एक एक वर्कर सफाई की तरह करके पहुंचाएगा और देखिएगा कि यहाँ पे 200% यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। शुक्ला जी ने पहला ही कदम रखा शिमला में और पहले ही सरकार के खिलाफ जो है बयानबाजी शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कोरोना पे भी नियंत्रण किया, विकास का कार्य भी किया हुआ है, बोला शुक्ला सर, आपके आते ही कांग्रेस दो भागों में बंट गई है, आपके आते ही आपको कौन से दो भाग दिखेंगे? डीडीओ हॉस्पिटल में एक घंटे पहले हरीश जनाठा जी करते हैं और आधे घंटे बाद भी वो करते हैं, चौधरी साहब करते हैं, क्या दोनों गुटों को एक साथ नहीं चाहिए था? नहीं किट्ठे नहीं जा रही सर, क्या संदेश दिया था पूरे प्रदेश में? इकट्ठा नहीं कर सकते थे सर आधे घंटे में? क्या सर, एक ही जगह दो शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस एक सशक्त पार्टी, मैं आपके दाहिनी तरफ मुझे राइट साइड में, तो कांग्रेस एक सशक्त पार्टी रही है, तो बड़े सीनियर लीडर्स ने ये कहा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन कराए जाए प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, आपका क्या विचार है इसमें ताकि कांग्रेस पार्टी और सशक्त रूप से सामने आ सके, नहीं तो 50 साल तक नहीं आएगा कि वो इस मामले में सलाहकार से विरोध करके काम करेगी, सबकी सलाह लेगी और उसके बाद जब तक चुनाव नहीं होता तब तक अंतरिम गुस्सा सबने उनको निवेदन किया था और स्वीकार किया कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक अंतरिम अध्यक्ष लोगों का काम करे, तो स्वयं लोगों ने चुनाव की बात कही, चुनाव की बात कही। अब ये यू समझिए उसके ऊपर बिहार है। आंदोलन में आबादी पूरी साथ दी है,
सर एक कांग्रेस की एकजुटता की आपने बात कही है, लेकिन पिछले कुछ समय में जो है कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं कौल सिंह, और उनकी तरफ से कुछ पत्र लिखे गए थे आलाकमान को, तो कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी पार्टी में, उसको कैसे देख रहे हैं? पत्र लिखा गया था उस सब जो है वो जो है उसमें किसी ने भी ये नहीं है कि पार्टी रास्ता में सबसे वो रास्ता है, उससे गांधी ने उस इशू को सेटल कर दिया और उन्होंने पूरी तरह से एक बड़ा दिल रख के सबकी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने उस हिसाब से पार्टी में जो आवश्यक बदलाव करने हैं उसके लिए उन्होंने कहा और उसमें तमाम लोगों को उन्होंने स्थान भी दिया, सबके विचारों को उन्होंने सुना और उस हिसाब से कदम उठा लिया। तो उसमें कोई जो है ये नहीं है कि किसी किस्म का कोई संघर्ष की बात है। बिहार का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ महागठबंधन है वो बहुत मजबूती से लड़ेगा और जीतेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वो मौजूदा नीतीश कुमार भाजपा सरकार के खिलाफ। जितने मंच पे जहाँ बैठे सारे उसमें मौजूद थे और अब आपको सर जिस तरह से नोटबंदी हुई पहले उसके बाद अभी कृषि बिल आया, उसमें ये बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के जो फाइनेंशियल जो मैटर थे उनको दबाने की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से आपके पास कोई आय ना आए, तो कैसे आप चुनाव लड़ेंगे और कैसे आय सृजित करेंगे पार्टी फंड के, पार्टी फंड के लिए? नहीं, हमारे तो जो जगह जगह जनता से कार्यकर्ताओं से सबसे उठा लेंगे और उसके लिहाज से चलेंगे, पैसे से कोई चुनाव नहीं जीता है। जनता जब उतारू हो जाती है, जनता जब तय कर लेती है तो कोई पैसा जो है चुनाव नहीं जीता है, जन शक्ति चुनाव जीतती है, जन आकांक्षा चुनाव जीतती है, कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो है उनको इग्नोर करती है और जो अगर मैं खराब शब्द यूज करूँ जो चमचे सबसे आगे दौड़ते हैं उनको टिकट मिलता है और जिसकी वजह है कि कांग्रेस पार्टी विधान प्रदेश में आती है, क्या मानते सर सही मायने में होता है? पिछले 70 साल में हर दल में हर प्रदेश में यही शिकायत आती है इनको बोले ये कोई नई बात नहीं है कि अब ये कोई कहता है इसने संघर्ष किया, कोई कहता है इसने नहीं किया, तो ये तो एक ऐसी चीज होती है। एक चीज के लिए 5 लोग दावा कर रहे हैं तो मिलेगा तो एक ही हो, तो 4 जो है यही कहेंगे कि गलत व्यक्ति को दिया गया, इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी पार्टी के स्टेट यूनिट में? नहीं, जहां जहां जैसे स्तर पे जहां रिस्ट्रक्चरिंग, जहां जहां लोगों को लगाना और हमारे लिए मजबूत जताऊ करने के खोजना, ये सारी एक्सरसाइज शुरू होगी, क्योंकि हमारे पास 2 साल का टाइम है तो वो पूरी एक्सरसाइज हमारे पार्टी का नेतृत्व करेगी और सारे लोग जो हैं संगठन में जुड़े हैं सबको काम उस हिसाब से दिया जाएगा, सबकी कॉन्टिबिलिटी जैसे सदस्यता अभियान है जितना उन लोगों की पहचान करना जो नीचे कैसे जो है आंदोलन के माध्यम से बात जानी घर घर तक कैसे पहुंचना, जनसंपर्क कैसे, सभी बातों के लिए जो व्यवस्था की जाएगी।